आप सब। आज हम लोग पटना में हैं अभी, और पटना से जस्ट अभी जा रहे हैं राजगीर जू सफारी और ग्लास ब्रिज घूमने। तो पिछले वीक तो मैं गया था, तो टिकट नहीं मिलने की वजह से हम लोगों ने निराश घूम करके आ गया था। बट इस बार प्रॉपर तरीका से तैयारी करके गया हूँ, जिसमें आप इस प्रकार से मेरा एंड तक मेरा वीडियो देखिए, आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा पूरा पटना टू राजगीर जू सफारी तक का पूरा सफ़र और पूरा ब्लॉग देखने को आपको मिलेगा। तो अब चलते हैं राजगीर में, फिर आगे की फुटेज आपको मिलेगी। और आज पटना की हर चौराहे पे आज माता सरस्वती जी का मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, इसके वजह से अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि पीछे बहुत सारे पूरा पटनावासी अभी मूर्ति को विसर्जन करने में लगे हुए हैं, और पूरा पटना एकदम गूंज पड़ा है माता सरस्वती का मूर्ति विसर्जन करने में। तो सारे लोग विसर्जन में व्यस्त थे, और मेरा कल का टिकट था, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ से घूम करके आया जाता है, तो जाते हैं आज घूम के देखता हूँ। पूरा बिहार का नाम है राजगीर, जिसमें जू सफारी और राजगीर ग्लास ब्रिज पूरा वर्ल्ड में फेमस है चाइना के बाद। तो दिखाते हैं आज पूरा आप सभी को। तो अभी मैं अपने घर से जस्ट पटना जंक्शन अभी मैं पहुंचा हूं, और साथ में हमारे मित्रगण हैं जिसे आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे मेरे, क्योंकि पिछले दो वीडियो में इन सभी को चेहरा डाला हूं। और मैं अभी जा रहा हूं राजगीर, जो पटना जू सफारी ग्लास ब्रिज साइकिलिंग जो भी वहां का माहौल है एंजॉय करने वाला उसको एंजॉय करने में। अपना ट्रेन आ गया है, आप देख सकते हैं कि सुपर फास्ट है, पहुंच गया। यहाँ से भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं भैया? जो भैया, तो अभी हम लोग कहाँ हैं? इनिशियली में थे, कहाँ पे है भाई साहब? अभी हम लोग अभी हम लोग राजगीर फाइनली पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्ट 6:15। ठंडा मतलब पहले से बहुत ज्यादा है, पटना में तो इतना नहीं ठंडा लग रहा था, बट यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। आप देख सकते हैं रोशन भाई जैसे नाक को नहीं दिखा रहे हैं, एकदम पूरा कमांडो वाले रूप में लगे हुए हैं, देख रहे हैं एकदम डेनिम ऊपर से नीचे तक। और ये भाई साहब को देखिए, अब आगे की ओर निकलते हैं तो देखने के लिए मिलेगा कि आपको ग्लास ब्रिज में क्या क्या खूबी है, कैसे कैसे बना है, कैसे बनाया है लोगों ने। ओ मैं सारे लोग को आप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनली हम लोग राजगीर में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं या अभी जस्ट उतरे हैं। ये हम लोग का सफारी था, और हमारे साथ मित्रगण अंदर में है, देखिए एकदम ये देखिए एकदम ताजगी अंदाज में उतर रहे हैं। और ये देखिए अभी हम लोग राजगीर का जंक्शन पे एंट्री कर चुके हैं। तो राजगीर में कैसा आप सभी को लग रहा है मौसम? यहाँ पे तो ठंडा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ठंडा है दोस्तों। पटना के अपेक्षा ज्यादा कुछ ठंडा पड़ा है, मैं सोचा नहीं था कि इतना ठंडा होगा, बट बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ से हम लोग स्टेशन से जस्ट बाहर निकलेंगे, और बाहर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो बीच में आता है। ये अभी दोस्तों हम लोग राजगीर जंक्शन पे हैं, और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये राजगीर जंक्शन बस इतना। ये है राजगीर जंक्शन, देखिए ये छोटा सा यहाँ पे वेटिंग हॉल है, देख सकते हैं देखो पेयजल का सुविधा है यहाँ पे, और आपकी सीढ़ी है एग्जिस्ट है। और यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा आपको राजगीर में, बाकी थोड़ा सा कंप्यूटर देखिए राजगीर का बाहर का बहुत अच्छा ग्राफिक्स किया हुआ है। देखिए एक छोटा सा बाहर में आपको गोदाम गार्डन टाइप में मिलेगा, जहाँ पे फूल पत्ती लगा हुआ है,
और इधर पब्लिक टॉयलेट की सुविधा है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का सुविधा है। ये अच्छा लगा हमें कि अगर आप बाइक से भी आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की सुविधा है, बहुत अच्छा। और बाकी देखिए ये इतना सा है। अरे देखिए यहाँ पे सीधा आप मेन रोड में निकल जाएंगे, एक छोटी सी लाइट लगाया हुआ है खंबा, घोड़ा कटोरा, विश्व शांति स्थूप, कर्मकुंड और बिंदिसार, ये सारे को, ये है राजगीर जंक्शन का इंटीरियर रूप। बाहर से देखने में आपको यही है राजगीर। दोस्तों तो हम लोग देखिए राजगीर में पहुंच गए हैं, और देखिए मैं दिखाता हूँ, ये राजगीर का बस डिपो है और उसी के जस्ट बगल में आजाद शत्रु का दीवाल है। देखिए अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये साइड से सीधा शांति स्तूप चला जाता है और ये दीवाल है जो कि बहुत ही लगभग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मतलब कि 100, ये 100 इंच का दीवाल है। देखिए यहाँ पे पूरा है कार्यालय संरक्षण सहायक उप अंचल राजगीर में आप सभी को स्वागत है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, ये आजाद शत्रु द्वारा बनाया गया दीवाल है। देखिए लगभग 100 इंच से कम तो नहीं लग रहा है, वाह। और यहाँ पे देखिए टमटम का भी आप मजा ले सकते हैं, और यहाँ जस्ट पास में ही आराम से, ज़्यादा नहीं है, 4 किलोमीटर के आराम से डिस्टेंस है। और बगल में देखिए कितने एकदम लाजवाब सीने हैं, और देखिए देखिए राजगीर में जस्ट शांति स्तूप और ग्लास ब्रिज में जस्ट एंट्री कर रहे हैं। राइट एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आएंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पिकनिक के लिए जितना भी टूरिस्ट हैं यहाँ आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वेन्यू वन पार्क प्रवेश द्वार। देखिए एंट्री तो लाजवाब है, देखिए वेन्यू वन, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। पार्किंग जोन है यहाँ पे, पार्किंग जोन है, बाकी अंदर में नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वेन्यू वन द्वार। वेन्यू वन राजगीर में आप सभी को स्वागत है। और यहाँ पे देखिए यहीं पे झंडा फहराया गया था ऊपर में, ग्राफिक्स, फूल तोड़ना सख्त मना, पकड़े जाने पे यही दिक्कत है। राजगृह के पास एक उद्यान है जो बांस से घिरा हुआ था, तत्कालीन मगध सम्राट बिंबिसार द्वारा यह उद्यान को भगवान बुद्ध को प्रदान किया गया था, जो कि शांत स्थल था। जो ध्यान से देखे महात्मा गांधी के अनुसार 7 सामाजिक पाप कर्म। प्रेजेंट में नीतीश कुमार द्वारा 15 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ था। वन्य बुद्ध के जीवन के चार फॉर्मर
कितना है यहाँ पे एंट्री शुल्क? कितना? 150 है। वेनी वन राजगीर का ये अंदर का सीन है। देखो वेनू वन राजगीर, ये राजगीर वेनू पार्क का अंदर है। सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के लिए बहुत बेटर है। फाइनली दोस्तों, हम लोग ने वेनू वन का ब्लॉग इसमें बना लिया है और आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा वेनू वन का। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप राजगीर आए तो वेनू वन में ज़रूर एक बार एंट्री करें। और यहाँ का भारतीय बच्चा का टिकट शुल्क है, मतलब एडल्ट का 20 रुपया है और छोटा बच्चा जो 4, 4.5 साल, 5 साल तक है उसको 10 रुपया है। एक बार आए ज़रूर विजिट करें वेनू वन राजगीर। ये है राजगीर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में अखाड़ा टाइप पे है और यहाँ पे सेल्फी बाजी में तो नंबर वन है, पूरा राजगीर आ गया है। सेल्फी के मामले में कहना नहीं है। देखिए पीछे में आपको सर्किट हाउस नज़र मिलेगा, तो देखिए। हाँ तो दोस्तों, हम लोग राजगीर में मुक्ति धाम में अभी एंट्री जस्ट कर रहे हैं और यहीं पे दिखाते हैं आपको मुक्ति धाम। अभी हम नगर पंचायत राजगीर नालंदा, मुक्ति धाम मतलब कि शमशान घाट को अभी दिखाते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मुक्ति धाम है। देखो वेनू वन राजगीर, फाइनली दोस्तों हम लोग ने वेनू वन का ब्लॉग इसमें बना लिया है और आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा वेनू वन का। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप राजगीर आए तो वेनू वन में ज़रूर एक बार एंट्री करें। और यहाँ का भारतीय बच्चा का टिकट शुल्क है, मतलब एडल्ट का 20 रुपया है और छोटा बच्चा जो 4, 4.5 साल, 5 साल तक है उसको 10 रुपया है। एक बार आए ज़रूर विजिट करें वेनू वन राजगीर। तो दोस्तों हम लोग फाइनली राजगीर वन्य प्राणी सफारी में आ गए हैं, वर्ल्ड लाइफ सफारी में एंट्री कर रहे हैं। आप देखिए, आपकी पिछले बार का वीडियो आप सभी को मिला तो नहीं होगा, लेकिन इस बार मिलेगा। देखिए फिर वही तीनों बंदर हैं गांधी जी का। ये है ग्लास ब्रिज का फ्रंट, वर्ल्ड लाइफ सफारी राजगीर, वर्ल्ड लाइफ सफारी। चले फोटो खींचो राजगीर जू सफारी। ये देखिए, ये है बाहर का नज़ारा। यहाँ पे सारे लोग घूमने पहुँच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 9 बज गया है और मैं अभी बाहर से आपको दिखाता हूँ। ये है अंदर का। देखिए राजगीर वन्य प्राणी सफारी, टूरिस्ट का भीड़ लगना स्टार्ट हो गया है। सफारी वर्ल्ड लाइफ सफारी का अंदर का भाग मैं अभी बाहर से दिखा रहा हूँ। अभी जस्ट इसके अंदर में जाएंगे। देखिए यह है टाइगर और बगल में लायन भी है और पीछे देखिए मृग है, डीर। तो ये है वर्ल्ड लाइफ सफारी का अंदर का लुक। जब एंट्री करेंगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड लाइफ सफारी के लिए टूरिस्टों का भीड़ उमड़ना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं।
अभी देखिए राजगीर जू सफारी में अभी 5 नंबर काउंटर पे देखिए टिकट लेने के लिए कितना ज़्यादा भीड़ है, वो मैं अभी आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए सिर्फ टिकट के लिए कितना ज़्यादा भीड़ है। देखिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ, देखिए सिर्फ जो सफारी का टिकट लेने के लिए कितना ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोग जस्ट वाइल्ड लाइफ सफारी में एंट्री किए हैं। आप देखिए पूरा एकदम भव्य लुक है। तो ये देखिए अंदर का सीन है बहरिये से, और संतुष्टि मिला था भाई को पिछले संडे को तो नहीं भाई साथ में लाख बाइक से नहीं। तो देखिए सफारी का भी हम एंजॉय कर रहे हैं लोगों, पूरा एंजॉय। बहुत अच्छा साइट है, आप लाइट पे भी आइए तो बहुत अच्छा लाइट वो भी लगता है यहां पे भाई। अच्छा ये देखिए ये है तेंदुआ जिसका आप 15 में देखे होंगे, और एक और वाइल्ड लाइफ सफारी का अंदर का लुक है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आप सभी को, देखिए वाइल्ड लाइफ सफारी टाइगर। ये है बियर, ये है मिर्ग, तो देखिए वाइल्ड लाइफ सफारी का लायन टाइगर पियर और मृग है। ये देखिए बीच में वाह फुलाई, हाँ चलिए आज आज की पार्टी मेरे तरफ से। बोलते रहेंगे अभी कहाँ, अभी तो सभी है भैया। अरे आप इतना बोल दिए आज के पार्टी मेरे तरफ से, बिल्कुल। देखिए अभी हम लोग बस एंट्री किए हैं जो सफारी वर्ल्ड लाइफ में, ये है अंदर का, और देखिए ओ बा वहाँ से अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत चीज देखने के लिए मिलेगा। देखिए पब्लिक का भीड़ है, और एक टिकट काउंटर है, ये है नेचर सफारी का एंजॉयमेंट। ये देखिए फुल्ली डिस्प्लेड है ग्राफिक्स है, तितली है तितली। वाह देखिए पूरा पर्यटक यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं तितलियों के साथ। ओह